हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्शंस। मैं हूं आपका दोस्त हारे। सो गाइस, मेरे पास अभी अभी एक वीडियो आई है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को वीडियो सजेस्ट की है। भैया, वीडियो का टाइटल है इंडियन डॉक्टर से पाकिस्तानी बॉय लाइव। ठीक है, ये टाइटल है और इसकी रिक्वेस्ट वो भाई जो है वो सब्सक्राइबर बार बार मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पे जल्दी जल्दी रिएक्शन दो। तो वीडियो अभी तक मैंने नहीं देखी, मतलब इस वीडियो के टाइटल से तो यही लग रहा है कि इंडिया के मतलब डॉक्टर ने एक पाकिस्तानी लड़के की जान बचाई है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, क्या दिखाते हैं। ठीक है, नेशन ब्रो चैनल है, इस चैनल की ये वीडियो है और इसी वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गाइस। सो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो वेट नहीं करते, इस वीडियो को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया, 2016 में 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहां पर ऑपरेट करवाना था नारायण। अच्छा, इनका बेटा बीमार था, ये फादर है। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है? मेरा बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल। तो ग्रेट। दो डॉक्टर से रابطہ हुआ, एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रابطہ हुआ, और दूसरे डॉक्टर जय शर्मा, जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर, आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। अच्छा जी, मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर था। हेलो गाइज, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जो पाकिस्तानी दिन भर गालियाँ देते हैं, वो भारत की बनी दवाइयाँ खाते हैं, भारत इलाज कराने आते हैं, जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो भारत आते हैं और यहाँ पर इलाज कराते हैं। यही बात है भाई, याद नहीं आता कि काफिरों वाला देश है। जब यही होता है तब काफिरों वाला देश याद आता है। एक पाकिस्तानी है जिनका बेटा बीमार हुआ था, वो लेकर आया था भारत इलाज कराने के लिए, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है आप इस वीडियो में देखेंगे। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। मुझे इंडिया में दो दफा जाने का इत्तेफाक हुआ है। वेरी नाइस, दो बार गए हैं। एक बार 2010 में गया हूँ, फिर 2016 में गया हूँ। गवर्नमेंट लेवल पे भेजे गए थे या खुद अपना? मैं किसी अपने काम गया था, मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था, नारायण हरद्वाला हॉस्पिटल है वहाँ पर, डॉक्टर राजेश शर्मा। ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया, 2016 में? 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। एक बात बताएं, यहाँ पे जब आप 2016 में गए थे, कितना फ़र्क आपने फील किया पाकिस्तान में और भारत के लाइफस्टाइल के अंदर, वहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर, और स्पेशली वहाँ में रहने वाले लोगों और इधर के रहने वाले लोगों में? बड़ा फ़र्क है उन, मैं आपको एक बहुत फ़र्क है भाई। किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। यही बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाम है डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा के जो आपको रोके हॉस्पिटल में। क्या बात है भाई, बड़ा हॉस्पिटल में भी देखा है, जेपी हॉस्पिटल में था, आजकल वो जेपी हॉस्पिटल में है। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है, आप आए हैं पेशेंट है, बात करें। यहाँ आप जाके दिखाएं किसी डॉक्टर के दरवाजे के आगे कि आपने चेकअप करवाना है, आपको टाइम मिलेगा, वो टाइम वो भी देता है। उसकी एक है लड़की वजह कुमारी, जो जिसको हम फ़ोन करते हैं, वो उठाती है, टाइम देती है, ईमेल का जवाब देती है। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो आया तो उसको हटा दिया, धक्के दिए, वहाँ पर बड़ा सिस्टम था। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया, वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए? पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी। हॉस्पिटल में गया, एंजियोग्राफी तो मैंने यहीं से करवाई थी, डॉक्टर मसूद सादक साहब हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से करवाया था। लेकिन जब मैंने PIC में कोशिश की तो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेरा ज़हन मुतमैन नहीं हुआ। फिर मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ जगहों पे रबता करता रहा, क्योंकि एक बेटे जैसी चीज़ है और मैं किसी ऐसे बंदे को हवाले नहीं कर सकता। तो मेरा दो डॉक्टर से रबता हुआ, एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रबता हुआ, और दूसरे डॉक्टर जय शर्मा, जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। जय शर्मा ही को क्या इंतखाब क्यों, मतलब खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास हाँ, यूके में जो है वो 12-13 लाख महंगा है, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया।
तो उस वीजा भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया। हाँ, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा मिल गया था मुझे, कोई रोका नहीं। वो हुआ ये था कि डॉक्टर जय शर्मा के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो गई, मैंने डॉक्टर जय शर्मा को फाइनल किया, तो उन्होंने मेरा मतलब है हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था अपनी एम्बेसी को और एक हमें। तो मैं वहाँ गया, मैं चूँकि वोकेशनल का था, मेरे वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था, बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना जो करना, दवाई लेनी। हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा, मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था, मेडिकल है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्र था, बहुत अच्छा, नहीं वो उन्होंने देना, मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है क्या है, ना मैं कभी लेने गया, उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था, खून का ब्लड का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे वहाँ रहे, और मेरे पास वो टाइम फारग होता था, मैं इस चक्कर में इधर उधर नेट पे तलाश करता रहा कि कोई मुझे वोकेशनल इदारा करीब तरीन बंगलोर में मिल जाए। तो वो साथ ही बोमा संदरा, एक तहसील है उनकी, ये बोमा संदरा में हॉस्पिटल था, उसी के साथ इंडस्ट्रियल स्टेट थी बड़ी सी, तो वहाँ ही मुझे बीटीएल स्टाफ पे बच्चे जब पढ़ आते थे जाते थे, तो मैंने एक दो बंदों से पूछा तो उन्होंने कहा ये अंदर जाएं तो बीटीएल इंस्टीट्यूट है, तो मैं वहाँ गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर, आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिराउन हैं, मैं भी ग्रेड 18 तक अफ़ीसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा अफ़ीसर था। ओवरऑल बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितने साल भारत इस टाइम आगे निकल चुका है पाकिस्तान से? सर, हमारे पास टीचर्स की कमी नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ हमारी सोच की बदबख्ती है। बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे मेडिकल का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें इंग्लैंड भी है, लेकिन जब हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का नाम लेते हैं तो स्पेसिफिक भारत ही को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, क्या वजह है? क्योंकि आप गए भी हैं, आपने वहाँ पे देखा भी है मेडिकल सिस्टम। मैंने सिर्फ देखा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस उससे और ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं पता। मेरे सिर्फ देखा नहीं है भैया, मेरी एक बेटी गायनाकोलॉजिस्ट है, एक बेटा अभी उसकी सिलेक्शन हुई है ऑर्थोपेडिक सर्जरी में सियालकोट में। मेडिकल के अंदर पाकिस्तान को भारत का मॉड्यूल फॉलो करना चाहिए। सर, बच्चों में कोई कमी नहीं है, डॉक्टर बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, सरकार उस तरह फैसिलिटेट यहाँ की नहीं करती। अब दूसरी शोबे पे आ जाए, इंजीनियरिंग में, ये तो मेरे बच्चों का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा के बाद एक इन्होंने डिग्री शुरू की थी बीटेक, भट्टो के दौर में शुरू हुई थी, और वो डिग्री भट्टो ने शुरू इसलिए की थी कि इंडिया में वो वैलिड थी, चल रही थी बीटेक की डिग्री, बर्तानिया में चल रही है, जर्मनी में चल रही है। हमारे यहाँ एक मसला बन गया कि इंजीनियर्स ने कहा कि क्यों ये आ रहे हैं, बीएससी इंजीनियर करो, बीटेक कोई डिग्री है? इंजीनियरिंग काउंसिल ने कहा हम इसको रजिस्टर्ड ही नहीं करते। अब जितने बीटेक थे वो बेचारे इनके रहमो करम पे थे, मैंने खुद बीटेक आनर किया है, रात की ड्यूटियाँ दे के दिन को पढ़ के किया है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे पाकिस्तानियों के वीडियो देखे होंगे जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू काफिरों का देश है, हिंदू जो है वो कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हमारे सगे नहीं हो सकते, हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं, पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आज आपने देखा कि एक पिता कैसे बता रहा था कि उसका बेटा जब बीमार हुआ तो उसने जब पता किया डॉक्टर्स के बारे में तो भारत को उसने चूज़ किया कि हम यहाँ पर जाकर अपना इलाज कराएंगे। पाकिस्तान के लोगों को डरना चाहिए भारत आते हुए, क्योंकि उनको ये बताया गया है पहले से कि काफिर जो हिंदू होता है वो कभी उनका सगा नहीं हो सकता है। लेकिन ट्रस्ट देखिए कि हम भारत में ही जाकर इलाज कराएंगे, इंग्लैंड इनको जाना था, अलग अलग बहुत सारी कंट्री वहाँ पर जाके करा सकते थे, लेकिन इनको ये यकीन था कि हम भारत जाएंगे तो हम यहाँ पर इलाज अपना करा सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है भारत की वैल्यू कि दुश्मन को भी यकीन करना पड़ता है। और एक वो बेवकूफ़ पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, अरे दुश्मन होता तो भाई तुम्हारे लाखों लोग हर साल इलाज कराने आते हैं भारत, इलाज करने बहुत सारे लोग जाते हैं, लाखों लोग पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं भाई, कुछ पाकिस्तानी मरेंगे तो कम से कम अच्छा लगेगा, हम कहते थे। लेकिन हम नहीं कहते, हमारा ये मानना है कि इंसानियत सबसे ऊपर है, तुम्हारा मानना है मुसलमान सबसे ऊपर है, ये सोच का फर्क है। तुम्हारे अंदर इतनी जाहिलियत भरी कि छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे यहाँ कहते हैं कि काफिरों को मारना है, भारत जाना है, ख़त्म करना, मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार होता है, और तुम्हारे यहाँ बम ब्लास्ट होता है तो वहाँ अत्याचार नहीं होता है। ये इतने जाहिल और इतने
बुजदिल लोग हैं कि इस तरीके की बातें करते हैं। एक्चुअल में भारत से बनी हुई दवाइयाँ दुबई जाती हैं, फिर यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आती हैं, फिर वही लोग खाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज कराने के लिए पाकिस्तानी भारत आते हैं, यहाँ के डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं और वहाँ पर वो दवाई मंगवा के खाते हैं। लेकिन जब जाहिलियत की बात आती है तो उसका नमूना देते हुए गालियाँ भी भारत को देते हैं। इनका बेटा आज स्वस्थ है, लेकिन इनका बेटा और इनकी पूरी फैमिली ये जरूर कहती होगी कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, हमने उसको दुश्मन बनाया हुआ है। भारत की तरफ से तो हमेशा प्यार वाली बातें की जा रही हैं, नहीं तो हमारे बेटे का इलाज भारत के अंदर क्यों होता? भारत मना कर देता तो हो सकता है कि हम इलाज भी ना करा पाते, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते। लेकिन जाहिल मौलाना और वहाँ के कट्टरपंथी हैं, उनको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके जब बेटे बीमार होते हैं तब भी वो भारत इलाज कराने के लिए आ जाएंगे, लेकिन भारत को हमेशा भला बुरा जरूर कहते हैं। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो हो गया खत्म। भाई क्या बात है इंडिया की, क्या बात है भारत की। भाई ये अंकल थे पाकिस्तानी, इनके बेटे का इलाज हुआ है इंडिया में, और इन्होंने सारी बातें जो बताई हैं इस वीडियो में वही हकीकत है, यही सच है। भाई पाकिस्तान में मतलब के इतना अच्छा इलाज नहीं है, मतलब हॉस्पिटल्स भी इतने अच्छे नहीं है, और डॉक्टर्स का भी बताया गया कि डॉक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में बिल्कुल जो अंकल बताते रहे हैं ऐसे ही हैं डॉक्टर यहाँ पे, ठीक है। और इंडिया का इन्होंने बताया कि इंडिया में जो डॉक्टर्स थे वो बहुत अच्छे थे, हॉस्पिटल अच्छा था, बहुत अच्छे से इलाज हुआ है इनके बेटे का, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि भाई जय शर्मा नेम है डॉक्टर का, अगर आप उन्हें कॉल करेंगे तो वो फौरन आपको मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर डॉक्टर को कॉल पाकिस्तान में कोई करता है तो वो आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं करते इतने जल्दी, ठीक है, और लाइनों में लगे रहते हैं सारे के सारे लोग, ठीक है। तो हॉस्पिटल जो है वो इंडिया का मतलब के हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और फार्मा इंडस्ट्री में भी इंडिया बहुत आगे है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो यहाँ से पाकिस्तान से आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है इंडिया जाते हैं, और यही सच है, यही हकीकत है कि इंडिया में इलाज जो है बहुत अच्छा इलाज होता है, तो पाकिस्तान से बहुत लोग जाते हैं इंडिया में इलाज करवाने, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी वीडियो थी कि इंडिया में मतलब बहुत इंडिया ये नहीं देखता कि मतलब पाकिस्तान से कोई पेशेंट आया है या किसी और कंट्री से पेशेंट आया है, ठीक है। जिस कंट्री से भी पेशेंट आता है इंडिया उस मतलब के उसका इलाज करता है, उसकी ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, इस वीडियो में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है अंकल ने, ठीक है। सो गाइस, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप कॉमेंट कर के बता सकते हैं। आप नेशन ब्रो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ओरिजिनल वीडियो आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इस वीडियो को ख़त्म करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।